हेलो फिजिक्स लवर्स, एग्जांपल नंबर 5.7। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन का फ्लोर है और इस फ्लोर पर एक बॉक्स प्लेस्ड है लाइक दिस। अब जो बॉक्स का वेट है दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और जो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द फ्लोर और सरफेस एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय सिंबल n। अब बॉक्स में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसका जो कॉज है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन fs। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो बॉक्स पर फोर्स एक्ट कर रही है या जो बॉक्स पर नेट फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। नाउ फ्रॉम द डायग्राम द नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द बॉक्स एंड योर नेट फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन and the formula of net force is mass into acceleration and the formula of static friction is mu n. Now ma is equal to mu n and the value of n is mg from equation number 1 using equation 1. So hum aisa likh sakte hain, therefore m se m cancel ho gaya, a is equal to mu sg, a is equal to mu s and the value of coefficient of friction is given in the question. How much it is? 0.15 into g ko hum 10 le lete hai. So acceleration will be 1.5 meter per second square. Okay. Now example 5.8. See figure 5.11. A mass of 4 kg rests on a horizontal plane. So mass of the body or the block is 4 kg. अभी ये जो mass है वो horizontal plane पर है ऐसे। उसके बाद हमने क्या किया, इस पर यहां पर force apply की और उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने raise किया theta 15 degree तक। Okay? So जैसे ही हम इसको raise करेंगे तो यहां पर एक हमारा हो गया इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो एंगल बना वो है 15 डिग्री। सो 15 डिग्री पर क्या होता है कि जो मास है दैट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, कि 15 डिग्री के एंगल पे ये मास यहां पर स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही मास स्लाइड होना स्टार्ट होगा तो आप सिचुएशन को ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, वैसे तो डायग्राम गिवन है बट फिर भी देखिए, ये एक ब्लॉक है, जो वेट ऑफ द ब्लॉक है दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज mg। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगी n। अब यहां पर एंगल है थीटा तो ये एंगल भी बनेगा थीटा। आप इस mg को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो, थीटा के साथ वाली एडजेसेंट साइड mg cos थीटा और जो परपेंडिकुलर है दैट इज mg sin थीटा। नाउ द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, अगर ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन जो है दैट शुड एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन fs। यहां पर हम इस थीटा को एंगल ऑफ रिपोज भी कह सकते हैं क्योंकि इस एंगल पे द ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लाइड। Now from the diagram in equilibrium position जो forces हैं वो एक दूसरे को balance करेगी। तो diagram से हम लिख सकते हैं कि जो normal reaction है that is equal to mg cos theta, equation number 1, और जो आपका static friction है that is equal to mg sin theta, equation number 2। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय
1 divide equation 2 by 1. जब आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे यू विल ऑब्टेन एफ एस बाय एन इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम जी कॉस थीटा. एम जी से एम जी कैंसिल और एफ एस आप लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन. ओके, इन दिस क्वेश्चन वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द value of coefficient of friction. So I can write here mu s n divided by n equal to sin theta upon cos theta is 10 theta. N say n cancel. So mu s is equal to 10 theta and theta is 15 degree. Now what is the value of 15 degree? So mu s is equal to 0.27. So this is the value of coefficient of friction. I hope you understood this numerical. और इसी तरह के और भी numerical देखने के लिए Physics Love channel को subscribe करें. Thank you very much. जय हिंद जय भारत. #PhysicsLove